नमस्कार दोस्तों, आखिर ब्रेकिंग न्यूज़ आई गई। जी हाँ, टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप बैन। चीन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, सैन्य हिंसा के बाद मोदी सरकार ने दिखाई शक्ति और लिया ये बड़ा एक्शन, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। गलवान में हुई सैन्य हिंसा के बाद एक तरफा जहां सैन्य मोर्चे पर उसे करारा जवाब दिया गया, तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई। भारत सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और अन्य ऐप शामिल है जिस पर बैन लगाया है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने भारत सरकार से कहा था कि या तो चीन के जुड़े 52 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया जाए या लोगों को इनको इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। ये ऐप बड़े पैमाने पर डेटा को भारत से बाहर भेज रहे हैं। इस मामले में जुड़े लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह जानकारी दी। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को जो लिस्ट भेजी थी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, एग्जेंडर, शेयर इट और क्लीन मास्टर जैसे ऐप भी शामिल है। इसलिए दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से इस फैसले पर जारी बयान में कहा गया है कि हमारे पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ये ऐप कुछ ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है कि जो भारत की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है। जो केंद्र सरकार ने कहा है कि इन ऐप का मोबाइल और नॉन मोबाइल बेस्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती रहे।